कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा। शुक्ला ने कहा कि बीजेपी गोठान को लेकर माहौल खराब कर रही है। देश की ऐसी पहली सरकार है जो गोठान के तहत गौ सेवा कर रही है। रमन सरकार में गौशाला पर 1677 करोड़ बंदर बाट हुआ। बीजेपी के नेता गौशालाओं पर दरअसल राजनीति कर रहे हैं। जनता पार्टी के 15 साल में लगभग 1677 करोड़ रुपए गायों के चारा के नाम पे घोटाला किया गया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता जो गौशाला चलाते थे उनको अनुदान के रूप में बंदर बांट किया गया, एक बड़ा घपला किया गया। और भाजपा के 15 साल के राज में लगभग 17,000 से अधिक गायें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गौशालाओं में भूख से तड़प तड़प कर मरी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं किया था। आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी बेशर्मी पूर्वक गोठान योजना के बारे में दुष्प्रचार कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक सिर्फ गायों के नाम पर राजनीति किया, गायों के नाम पर अनुदान खाया।